सीएनजी में भी व्हील स्पिन मारा है इसने। थोड़ी सी परेशानी तो होगी। 180 तालियां। और ये सीएनजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है फिलहाल। टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों की काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी कि टियागो टिगोर सीएनजी चलाकर देखो और हमें बताओ कि क्या वो गाड़ी लेने लायक है या फिर नहीं है। अगर आप गाड़ी सीएनजी में लेना चाहते हैं तो, और साथ के साथ जो टाटा मोटर क्लेम कर रही है कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल सीएनजी में ये गाड़ी है, सबसे ज़्यादा पावर डिलीवर करती है, क्या वाकई में उसका चलाने में फील आता है या फिर नहीं आता है। और साथ के साथ बात करेंगे गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी के बारे में। मैं अभी चला रहा हूँ टिगोर सीएनजी में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है टियागो के ऊपर कि जो है इसका जो बूट है वो आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है, थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेंडर को इन्होंने थोड़ा सा ऊंचा माउंट किया हुआ है ताकि आप जो है अपना स्पेयर व्हील एक्सेस कर पाएं। मैंने स्पेयर व्हील को खोला हुआ है, उसके माउंट को खोला हुआ है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ स्पेयर व्हील। थोड़ी सी परेशानी तो होगी लेकिन आप पीछे से जो है स्पेयर व्हील को निकाल सकते हैं ऐसे। पेट्रोल गाड़ी के कंपैरिजन में थोड़ी सी आपको परेशानी होगी लेकिन निकल जाएगा बड़े प्यार से। तो थोड़ा बहुत बूट स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है, थोड़ा बहुत सामान आप रख सकते हैं। और यकीन मानिए टियागो सीएनजी के अंदर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और साथ के साथ जो आप सीएनजी फिल करेंगे यहाँ से करेंगे, और साथ के साथ मैं आपको टैंक की कैपेसिटी बताना भूल गया। टैंक की कैपेसिटी है 60 लीटर। तो टाटा मोटर बोलती है कि इसके सस्पेंशन में भी काम हुआ है लेकिन जो 60-70 किलोमीटर मैंने चलाई है उसमें मुझे चलाने में कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुआ। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है पीछे वाले शॉक एब्जॉर्बर या फिर सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो वो इनक्रीज़ करी होगी इन्होंने बिल्कुल, ताकि जब पूरी सीएनजी भरी हो, बूट में सामान हो और साथ के साथ जो पीछे पैसेंजर बैठे हों तो ये गाड़ी दबे ना। और कुछ खास चेंजेस नहीं है गाड़ी के अंदर। ये एग्जेट प्लस वेरिएंट है जो कि लगभग 1 लाख ऑन रोड नॉर्मल जो पेट्रोल टिगोर आती है उससे महंगा है सीएनजी में। और साथ के साथ इन्होंने कर क्या है, उसमें जो पेट्रोल टिगोर है उसमें आते हैं अलॉय व्हील, उसमें दे रखे हैं स्टील रिम्स। और आप मान के चलिए लगभग 8,000 के आसपास एक अलॉय व्हील है, तो वो कॉस्ट भी इन्होंने जो है यहाँ पर कट कर दी है। कहने का मतलब है गाड़ी काफी ज्यादा कॉस्टली अगर पेट्रोल के कंपैरिजन में देखा जाए सीएनजी को। तो अब ये गाड़ी कॉस्टली है तो गाड़ी चलाने में या फिर गाड़ी की परफॉर्मेंस इसको जस्टिफाई कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर कंपटीशन की बात करी जाए सीएनजी के अंदर, टिगोर का एकमात्र कॉम्पिटिटर है वो है ओरा सीएनजी। वो भी सिर्फ एक वेरिएंट में आती है जिसमें आपको फीचर्स बहुत कम मिलते हैं। जो इसका एक्सजेड वेरिएंट है सीएनजी वाला उसको आप डायरेक्टली जो है उसको कंपेयर कर सकते हैं ओरा के एस वेरिएंट से, वो भी सीएनजी वाले से। तो चलिए इसके बोनट के अंदर देख लेते हैं कि क्या कुछ नया है। आइए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीट एंड क्लीन काम हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे आप पहचान पाए कि ये सीएनजी गाड़ी। अगर बोनट खोल के देखे बस यहाँ पर जो है सीएनजी लिखा हुआ है। जैसे आप आफ्टर मार्केट सीएनजी लगा लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि वायरिंग दिख रही है आपको, कनेक्शन आते हुए दिख रहे हैं आपको, इंजेक्टर का ऊपर से हिसाब किताब अलग से नजर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ नीट एंड क्लीन है। अब जो मेन चीज़ है चला के पता चलेगी, क्योंकि गाड़ी तो ऑलमोस्ट वही है जैसे कि पेट्रोल आती थी पहले। तो जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, कैसी चल रही है गाड़ी। आइए तो चलिए इसको चलाकर देखते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे पता है क्या लगी, मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूँगा तो ये गाड़ी जो है सीएनजी में ही स्टार्ट होगी। यहाँ पर देखिए सीएनजी का मार्क आ रहा है और यहाँ से आप सीएनजी और पेट्रोल में स्विच कर सकते हैं गाड़ी को। ये दबाऊँगा तो ये अभी पेट्रोल में स्विच हो गई है और यहाँ से वो मार्क चला गया। अब मैं यहाँ पर देखिए सीएनजी में लाता हूँ तो वहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर मेंशन भी करेगा सीएनजी मोड एक्टिव। तो अभी आप देख सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट है यहाँ पर, और ये फ्यूल लिड को मैं ओपन करूँगा तो देखना गाड़ी बंद हो जाएगी और मैसेज आया क्लोज फ्यूल लिड। अब उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। देखिए
यहाँ पर वार्निंग दे रहा है क्लोज फ्यूल लिड, जब मैं उसको बंद करूंगा तभी ये गाड़ी स्टार्ट होगी। तो टिगोर सीएनजी को चलाने से पहले मैं इस गाड़ी को फ्रेश कर लेता हूँ, वो मैं करूंगा कैसे, इन्वॉल्व वन के स्प्लैश से। इसकी जो फ्रेग्रेंस है आपको ऐसी महसूस होगी जैसे आप नहाते वक्त आपके सोप से आती है ना, वो भी आपको फ्रेश करता है, ये भी पूरी गाड़ी को फ्रेश कर देगा। ये मैं जहाँ पर कप होल्डर होते हैं वहां पर मैं रख दूंगा। इस बार मैं 3M के टेप से नहीं चिपका रहा हूँ इसको, इसको एक्चुअल में बोलेंगे एक्वा स्प्लैश, और जितने भी एक्वा परफ्यूम होते हैं ना वो वाटरी होते हैं, उसमें गिरने का डर रहता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, स्पिल प्रूफ है, कहीं नहीं बिखरेगा आपकी गाड़ी में। और अभी भी बहुत अच्छी महक आ रही है इसमें से, लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको 10% डिस्काउंट वहां से मिल जाएगा, तो ले सकते हैं आप अपनी गाड़ी को महका सकते हैं, चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो। तो ये चीज है, अभी जो है गाड़ी का एसी वगैरह चल रहा है, तो सबसे पहले मैं जो है इस गाड़ी को पेट्रोल में चलाना चाहता हूँ ताकि जब मैं सीएनजी में स्विच करूँ तो मुझे डिफरेंस जो है प्रॉपरली पता चल जाए। इस वाली टिगोर में एक चीज मैं महसूस कर रहा हूँ, जो इसका क्लच पैडल है ना वो काफी ऊंचा उठा हुआ है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, और क्लच जो है काफी लाइट है और स्टीयरिंग काफी लाइट है। और एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ कि जो ये 14 इंच के व्हील है ना इस गाड़ी के अंदर, उसकी राइड क्वालिटी बड़ी प्यारी है, गड्ढे महसूस नहीं हो रहे हैं, शार्प गड्ढे भी। जो 15 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं उसका जो है प्रोफाइल थोड़ा सा कम रहता है, वो थोड़ा बहुत महसूस होते हैं, तो इसमें बहुत प्यार से ग्लाइड करते हुए जा रही है गड्ढों में। पेट्रोल में ठीक ठाक चलती है, आप सभी को पता है कि टिगोर पेट्रोल चलती कैसे है, उसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अभी यहाँ पर MID में 73 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, मैं इसको चला चुका हूँ, मैंने रीसेट करा था जब मेरे पास गाड़ी आई थी और CNG टैंक फुल था। इसमें 5 bars होते हैं जो कि अभी 2 बचे हुए हैं, और यकीन मानिए ये गाड़ी मात्र 5% हल्के पैर से यानी कि लाइट फुट से चली है, बाकी इस गाड़ी को मैंने अच्छी तरह से रगड़ा है आप कह सकते हैं। अब मेरा टारगेट ये है कि मेरे को पूरा सिलेंडर जो है ख़त्म करना है, देखते हैं कि कितने किलोमीटर जाती है और कम से कम कितना एवरेज निकलता है एक टैंक में CNG के, तो कम से कम आपको पता होगा तो आप ज़्यादा जो है अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, और आपको एटलीस्ट पता होता है कि इसकी जो कम से कम लिमिट है ये इतनी है। अब मैं करता हूँ इसको CNG में स्विच, अब देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करती है। CNG में भी व्हील स्पिन मारा है इसने, थोड़ा सा ये 5,500-6,000 RPM के पास जब जाती है ना तो सू करके एक आवाज़ आती है, वो पेट्रोल में भी आती है और CNG में भी आ रही है, और यकीन मानिए अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है मुझे CNG में, और महसूस नहीं हो रहा कि मैं CNG में चला रहा हूँ गाड़ी को, इतना कम जो है डिफरेंस आपको महसूस होगा, नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं। आप फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहे हैं, आपकी ये पहली कार है, तो आप अंतर नहीं बता सकते लिटरली। बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी है इसमें कि CNG में हल्की सी आवाज़ बढ़ जाती है, हल्की थोड़ी सी बेसी साउंड हो जाती है, थोड़ी सी मोटी आवाज़ हो जाती है गाड़ी की, बस इतना डिफरेंस आपको महसूस होगा जब आप CNG में गाड़ी चलाएंगे। और चलते चलते आप पेट्रोल में शिफ्ट कर देते हैं तो वो आवाज़ धीरे 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 कम हो जाती है। अब मैं CNG में स्विच कर लेता हूँ उसको और फिर उसके बाद खींचता हूँ। देखो अच्छा खासा रिस्पांस है, नो डाउट टाटा मोटर जो क्लेम कर रही है ना वो एक्चुअल में मिल रही है इसमें परफॉर्मेंस। तो अब इसको हाईवे में चलाते हैं, हाईवे में CNG का कैसा हिसाब किताब है वो जानने की कोशिश करेंगे। पहले दूसरे गियर में तो बहुत अच्छी खींच रही है, जब इसमें तीसरा चौथा लग जाता है ना और आप एक्सेलरेशन चाहते हैं, इन गियर एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस महसूस होगा पेट्रोल और उसमें, मामूली सा। देखो जब पेट्रोल से CNG में स्विच हो रही है, CNG से पेट्रोल में स्विच हो रही है, तो ना कोई जर्क है ना कोई आवाज़ है, जो कि आप आफ्टर मार्केट CNG में बहुत सारी गाड़ियों में महसूस करेंगे। कोई ऐसे अच्छे इंस्टॉलर भी होते हैं जो इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करके देते हैं, मतलब ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसमें आप ये, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप CNG से पेट्रोल लगा लो, पेट्रोल से CNG लगा लो, बहुत ही स्मूथली जो है चेंज ओवर हो जाता है, और साथ के साथ आपको पता भी नहीं चलता है लिटरली कि ये गाड़ी CNG से पेट्रोल में आ गई है और पेट्रोल से CNG में जा रही है।
अब देखिए मेरे को ओवरटेक करना है तो मुझे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिलती है। अगर आप शुरुआत से खींचते हुए चलते हैं ना तो पेट्रोल और सीएनजी में आपको बहुत कम डिफरेंस महसूस होगा, ना के बराबर। लेकिन आप चलती हुई गाड़ी में बड़े गियर में आप जो है स्पीड गेन करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंस महसूस होगा और थोड़ी सी नॉइज़ बड़ी हुई मिलेगी, हल्की सी। और ये हर सीएनजी गाड़ी में होता है, इसी में नहीं हो रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप पेट्रोल से सीएनजी में शिफ्ट करते हैं तो थोड़ी सी आवाज़ चेंज होती है गाड़ी की। और जैसी मैंने 80 अचीव करी उसके बाद मैं लाइट फुट कर देता हूँ ना, तो जो मैं आपको बता रहा था ना कि थोड़ा सा डिफरेंस आता है आवाज़ का, लाइट फुट में कुछ नहीं, आपको इंजन की आवाज़ सुनाई तक नहीं देगी, बस जो टायरों की आवाज़ है ना वो आएगी गाड़ी के अंदर। और टायरों की आवाज़ अच्छी खासी आ रही है एक्चुअल में। आप 80-90-100 में क्रूज़ करिए, बड़े प्यार से चलती है ये गाड़ी यार। और बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है इनका सीएनजी का इस इंजन में, काबिल तारीफ। अभी तक मैंने जितना चलाया उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। 80 के बाद मैंने पंजा रखा और प्यार से स्पीड बढ़ रही है और जैसा बढ़ना चाहिए वैसी बढ़ रही है, लैग महसूस नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। हाई आरपीएम तक अच्छा परफॉर्म कर रही है सीएनजी। आप भले इसको 6000 आरपीएम तक खींचिए, कहीं पर कोई लैग नहीं है और कहीं पर कोई मिसिंग वगैरह जैसा होता नहीं है, नौसिखिए आफ्टर मार्केट सीएनजी वाले सीएनजी इंस्टॉल कर देते हैं और गाड़ी की आपकी ऐसी तैसी हो जाती है, तो यहाँ पर वो चीज़ एक पैसे की भी नहीं है, मतलब थोड़ी सी भी नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, गाड़ी रुकी हुई है, एसी चल रहा है, फर्स्ट गियर में है, सीएनजी में है और ये विदाउट एक्सेलेटर बड़े प्यार से उड़ जाती है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। छोटी छोटी बातें जो है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आफ्टर मार्केट सीएनजी वाली गाड़ी चलाई है मैंने, टियागो चलाई है, टिगोर भी चलाई है, तो उसमें और इसमें एक्चुअल में ज़मीन और आसमान का अंतर है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही काबिल तारीफ है यार। तो ये गाड़ी 122 किलोमीटर चल चुकी है, 5 में से 3 बार जो है इसके सीएनजी के चले गए, 2 बचे हुए हैं और अभी अभी गिरा है तीसरा वाला। एवरेज वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं चल रही है, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। तो देखो यार, अगर ऐसा ट्रैफिक आपको मिलता है ना और उसके बाद जब आपको ओवरटेक करना है ऐसे ट्रैफिक में एकदम से निकलना है, तो गाड़ी सीएनजी में भी होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीएनजी में भी अच्छा पावर देती है, एकदम से उड़ जाएगी, गियर डाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी बस। तो अभी जस्ट एक और बार गिर गया है 147 किलोमीटर कवर करने के बाद, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अभी 50 इसमें भी चलेगी मेरे हिसाब से, तो 50 चलेगी तो मोटे मोटे तौर पर 200 ये चल जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको भी ख़त्म करूँ, क्योंकि मेरे को ये देखना है कि ना ये फ्यूल ख़त्म होते ही, मतलब सीएनजी ख़त्म होते ही ये पेट्रोल में अपने आप स्विच कर जाती है। तो अभी गाड़ी जो है 179.5 किलोमीटर चल चुकी है, सीएनजी वाला जो बार है ब्लिंक करने लग गया है, गाड़ी अभी भी सीएनजी में चल रही है, देखते हैं कब तक चलेगी, कब पेट्रोल में अपने आप शिफ्ट होगी, वो देखना है हमें। तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छी चल रही है यार, बहुत ही बुरी तरीके से चलाने के बावजूद भी एक टैंक में अभी 179 किलोमीटर चल चुकी है, अभी भी टैंक खाली नहीं हुआ है और थोड़ी ही देर में ये गाड़ी हो जाएगी आपकी 180 किलोमीटर, 179.9 किलोमीटर हो चुकी है अब ये गाड़ी, अब 100 मीटर बचे हुए हैं, 180 तालियां, और ये सीएनजी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है फिलहाल। तो अभी 190 किलोमीटर हो चुकी है इस टैंक में, सीएनजी में अभी भी फिलहाल चल रही है, ब्लिंक करता जा रहा है। तो ये गाड़ी चली है 199 किलोमीटर और ये अपने आप पेट्रोल में स्विच कर गई है, सीएनजी का मार्क यहाँ से चला गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें से आप 5-6 किलोमीटर माइनस कर दीजिए जो हमने आपको दिखाने के लिए पेट्रोल में चलाई थी, फिर भी एक पूरे सीएनजी के टैंक में ये 190 प्लस चली है और टेस्टिंग कंडीशन में, जबकि हम सही तरीके से चला नहीं रहे थे, मतलब हमारे माइंड में एवरेज नहीं था, मतलब आराम से बहुत ही प्यार से 200 प्लस 200 क्या ये 225 और 250 भी चल सकती है ये गाड़ी, नो डाउट। ओवरऑल कहेंगे बहुत अच्छी ट्यूनिंग है सीएनजी की, चाहे आप परफॉर्मेंस में ले लीजिए, चाहे आप फ्यूल इकोनॉमी में ले लीजिए, माइलेज में ले लीजिए सीएनजी की। और एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया कि जितनी भी ये सीएनजी में चली है ऑल द टाइम इसका क्लाइमेट कंट्रोल ऑन था। देखो मार्केट के अंदर सीएनजी ऑप्शन आ चुके हैं फैक्ट्री फिटेड, और जो अभी आपके पास ऑप्शन थे वैगन आर टाइप के, आपके पास ऑरा टाइप के, उनमें सेफ्टी नहीं थी
उनकी बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज थी, तो वो चीज़ आपके दिमाग में है। और टाटा की गाड़ियाँ लेने के बाद आप उसमें आफ्टर मार्केट CNG लगाते हैं, तो उन चीज़ों से आपको जो है छुटकारा मिल गया, आपको एक परफेक्ट CNG कार मिल चुकी है, आप चला सकते हैं बड़े प्यार से। और मुझे कहीं भी इसने डिसअपॉइंट नहीं करा, खास करके चलने के मामले में। देखो, आप पेट्रोल गाड़ी खरीद के उसमें CNG किट वगैरह लगाएंगे तो फिर आपकी वारंटी वगैरह जाएगी, पैसे तो खर्च होंगे नई CNG किट में आपके। और अभी BS6 में अप्रूव भी नहीं हो रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है, हर जगह अप्रूव नहीं हो रही है। और वैसे ओवरऑल सेंट्रलाइज तरीके से देखा जाए तो अप्रूवल नहीं आया है। और इसमें आपको 2 साल 75,000 किलोमीटर की जो है वारंटी मिल जाती है, तो टेंशन फ्री चीज़ें हैं। थोड़े से पैसे ज़्यादा आपको देने पड़ेंगे, लेकिन पीस ऑफ माइंड आपका पूरा रहेगा और टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये है टिगोर CNG का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है गाड़ी पर्सनली, मैं सही बात बताऊँ तो। तो और भी डाउट होंगे कोई तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट में आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए, वहाँ पर मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ले सकते हैं इस गाड़ी को, सीधी सी बात ये है, पैसे नहीं है, पैसे कम हैं तो टियागो में जा सकते हैं, इसका लोअर वेरियंट है उसमें जा सकते हैं। लोअर वेरियंट इसका जो है वो आपको 880 के आसपास पड़ेगा दिल्ली में ऑन रोड, और ये वाला जो है 940 का पड़ता है। तो यही सब बातें हैं, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। अब वो बार ब्लिंक कर रहा है, जल्दी से आप पेट्रोल में आ जाओ तो हमारी छुट्टी हो, फटाफट गाड़ी दे दे हम।